देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कहते हुए गर्व है, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे और भारत कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाई साहब बैठे, उन्होंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, हमारी सेना हर संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा, चीन ने जरूरत की थी भारत की सीमा में कदम रखने की, तो हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है। हम राजनाथ जी को हमेशा सुनते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए फौजें सन्नद्ध है। और आज पूरी दुनिया जानती है कि वो जमाना चला गया। यूक्रेन का उदाहरण देख लो, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई, हमारे बच्चे फंसे थे। अब हमारे बच्चे 30,000 कैसे बाहर निकले, तो केवल एक काम किया हमारे बच्चों ने, भारत का तिरंगा झंडा हाथ में थामा और निकल पड़े, तो रूस भी पीछे हट गया और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकल आए और भारत के पीछे बांग्लादेशी भी वापस आ गए। ये आज भारत का सामर्थ्य, भारत की ताकत है। चारों तरफ हमारे देश का विकास हो रहा है, उस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, जो हमारे पुराने संकल्प और सपने थे, आज पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और उज्जैन में महाकाल महालोक भी बन रहा है। लेकिन आज जो मैं आया हूं, एक बहुत मानवीय कार्यक्रम के लिए आया हूं। आज सिंगरौली जिले में, अकेले सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब बहनों और भाइयों को, मैं आपको घटना सुनाता हूं। ये योजना बनी कैसे, मैं टीकमगढ़ जिले में, पृथ्वीपुर जिले में मैं दौरा कर रहा था निवाड़ी में, तो एक जगह बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। मैं जनता के पास पहुंचा, मैंने पूछा बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मामा रहने की जगह नहीं है रे। मैंने कहा रहने की जगह नहीं है तो रहते कहाँ हो? बोले रहते तो पिता के घर में, लेकिन वो घर है दादाजी के जमाने का। हमारे दादाजी चार भाई, उनके चार चार बेटे हो गए, फिर चार चार बहुएं आ गई, उनके चार चार हो गए, तो कुल मिला के इतने हो गए कि एक घर में बने ही नहीं रहे मामा। हालत यह है कि बारी बारी से सोते हैं, 10 से 12 बजे तक तुम सो, 12 से 2 बजे तक ये सोएगा, 2 से 4 बजे तक ये सोएगा। तो मुझे उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमें भी कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए और वहां अपना घर बना कर रहने लगे। तभी मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई और उसी समय गाड़ी में चलते चलते हमने ये योजना बनाई। केवल सिंगरौली जिले वाले नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश सुन ले। हमने फैसला किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को प्लाट दिए जाएंगे, फ्री में प्लाट, निःशुल्क प्लाट दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बताओ सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई भाई, गरीब के लिए भी ये धरती है। ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये हवा, ये खुला आसमान, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये फल, ये अनाज, सबके लिए भगवान ने बनाया। इंसान ने अपनी दुनिया अलग बना ली, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब रह गया। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में गरीब भगवान के भरोसे था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल, जमीन और जंगल का मालिक गरीब बनाया जा रहा है। जल, जमीन, जंगल का मालिक बना रहे हैं। मैं भावपूर्ण शब्दों में आपसे कह रहा हूं, आप बताओ अगर कोई के पास जमीन नहीं है रहने की,
उसकी जिंदगी कैसे कटती होंगी, उसकी, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कई जगह वो किसी दूसरे की जमीन पर रहते थे तो दादागिरी होती थी, हमारी बात मान और नहीं तो चल भग, ये जमीन तो मेरी है। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे। आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है, और केवल केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, जहां पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके, यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही भारतीय जनसंघ के समय हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है, मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है, और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, जीने के लिए क्या चाहिए, रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा, और जमीन के बट्टे के लिए यहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है। मैं कह रहा हूं केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे, कोई बिना छत के नहीं रहेगा। राशन हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, मकान जमीन हो गई। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हो गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर, एक तरफ जहां हम सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, आज सीएम राइज स्कूल भी हमने खोले, आज फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, आपने सुना मैं विस्तार में नहीं जा रहा, वहीं दूसरी तरफ चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो SC हो, वो ST हो, वो OBC हो, या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों, चिंता पढ़ाई की मत करना, क्योंकि जितने भी पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, उनकी फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे अन्य कॉलेज की हो, मैं जानता हूं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और प्राइवेट में हो गया तो फीस कितनी होती है पता है, 8 लाख 10 लाख रुपया साल। तो बताओ गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो उसकी फीस कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और ये मैं केवल कह नहीं रहा, 2.5 लाख बच्चों की फीस भर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की, IIM की, और केवल देश में नहीं विदेशों में भी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे की 64 लाख फीस हमने भरी है, जो प्रतिभा का धनी है और जिसके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए से ज्यादा अमीर होता है, मैं उसकी बात नहीं करता, 8 लाख रुपए तक की जिनकी फीस है, 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनकी फीस भरी जाएगी। तो तुम तो पढ़ना रे भांजे भांजियों, चिंता की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है, क्या दिलवाता है, लैपटॉप दिलवाता है। तो 75% ले आओ,
लैपटॉप ले जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए गरीब की जिंदगी में जो जो चीज जरूरी है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 25,000 में से कई भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको जमीन का प्लाट मिला है, अधिकार पत्र मिला है। अगर ऐसे बैठे हो तो जरा अपना अधिकार पत्र उठा के दिखाएं। जिनको जमीन का, जिनको आज जमीन का प्लाट मिला है, एक बार अधिकार पत्र उठा के बताएं। अब वो पीछे तक हमारे कई भाई बहन अपने अधिकार पत्र लहरा रहे हैं। तो जमीन हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज की व्यवस्था हो। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड। और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं,